Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Lift Up Classes. Guys, what's the use of the? It's a definite article. Indefinite article हम लोगों ने already कर लिए हैं a और an. आज बात करेंगे definite article किसकी the की. देखिए बहुत confusion होता है कहाँ use करें हम the को. कभी the use होता है उस situation में और कभी नहीं होता है. सेम वर्ड होता है लेकिन अभी इसके साथ द का यूज हो गया है, नेक्स्ट टाइम द का यूज नहीं हो रहा है. तो द में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है. ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि द को कैसे कैसे आपने यूज करना है. तो देखिए द का जो मेन अगर आप एक मीनिंग निकालेंगे तो आपको कोई पर्टिकुलर इसका मीनिंग नहीं मिलने वाला कि हाँ इसके साथ हमें द का यूज करना है. आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या देगा ये आपको एक स्पेसिफिक सेंस देगा, यानी कि जिस सेंटेंस से आपको एक स्पेसिफिक सेंस मिल रही हो या फिर वो थोड़ा सा यूनिक हो तो उन यूनिक वर्ड्स के साथ या फिर स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ हमें क्या यूज करना होता है, द यूज करना होता है. अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे पास ये सीरीज है जिनके साथ हमें द का यूज करना ही करना है. यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको द का यूज करना ही करना है. लेकिन कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां कभी हम द का यूज करते हैं और कभी नहीं करते. तो देखिए सबसे पहला हमारा आज का जो पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं हमारे? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को हम बोल देते हैं ऐतिहासिक इमारतें. क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक इमारतें. अब ये ऐतिहासिक इमारतें कौन सी होंगी? आप कह सकते हैं द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद. तो ये सारी जितनी भी हमारी ऐतिहासिक, इतिहास से रिलेटेड ऐतिहासिक इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, उनके साथ आप क्या यूज करेंगे हमेशा? द ताजमहल इज फेमस इन आगरा. ओके, तो आपने ताजमहल से पहले क्या यूज किया? द. द रेड फोर्ट इज रेड. रेड फोर्ट कैसा है? रेड है. तो रेड फोर्ट से पहले आपने क्या यूज किया? द. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की जब भी हम बात करेंगे हमें हमेशा क्या यूज करना है, उसके साथ द को यूज करना है. नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस बुक्स. अब ये रिलीजियस बुक्स क्या है? हमारे जितने भी क्या है, धार्मिक ग्रंथ हैं. आप इसको यहाँ पर एपिक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि जितने भी हमारे ग्रंथ होते हैं, धार्मिक किताबें होती हैं, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? द. कैसे? आपने कहा द रामायण. रामायण से पहले हमने क्या यूज किया? द को यूज किया. आप बोल सकते हैं द बाइबल, द कुरान. तो इस तरीके से जितनी भी आपकी धार्मिक ग्रंथ होंगे उनसे पहले आपको क्या यूज करना है? द का यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिवर्स या फिर वाटर बॉडीज हम बोल सकते हैं, यानी कि पानी से रिलेटेड जितनी भी जगह होती हैं या फिर हमारी मेन जो नदियां होती हैं, रिवर्स होती हैं, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? आपने कहा द गंगा. द गंगा इज अ प्योर रिवर. ठीक है, द वॉटर ऑफ गंगा, ऑफ द गंगा इज प्योर. तो गंगा के साथ आपको क्या यूज करना है? द. ठीक है, तो इसी तरीके से जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं सबके साथ आपको द का यूज करना ही करना है. नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शंस. अब ये डायरेक्शंस क्या होती हैं? दिशाएं होती हैं. तो भाई जितनी भी आपके फोर डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है. एक आपने कहा आई एम गोइंग टू द नॉर्थ. ओके, तो ये नॉर्थ आपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताई, अपनी एक फिक्स पोजीशन बताई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नॉर्थ में जा रहा हूँ. तो वहां आपका क्या हो गया? द का यूज हुआ. लेकिन आपको पता है कि हम इनकी सब डायरेक्शंस भी निकालते हैं, यानी कि जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि जैसे अगर आप एक ये डायरेक्शन बनाते हैं तो आपने कहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अब ये हो गया साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट,
साउथ वेस्ट, ठीक है। आपने कहा मैं ईस्ट में जा रहा हूं, तो ईस्ट एक पर्टिकुलर आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन अब अगर आप कहते हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूं, तो नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो पूरा एरिया है ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो ये आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बताया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब नॉर्थ ईस्ट अगर आप बात करेंगे तो वहां पर आप दा का यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हम हमारी मेन फोर डायरेक्शंस के साथ दा को यूज करते हैं, सब डायरेक्शंस के साथ हम दा का यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। देखिए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो बेस्ट है दिस इज अ सुपरलेटिव डिग्री। मैंने कहा मैं यहां सबसे अच्छा हूं, तो आई एम द बेस्ट हियर। तो ये जो बेस्ट है इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री एंड बिफोर दिस वी हैव टू यूज आर्टिकल द, ठीक है। हमेशा आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। आई एम द बेस्ट, शी इज द टॉलेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एक प्रॉपर टॉपिक है हमारा, उसको हम अभी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री को ध्यान रखिए कि उनके साथ हमें क्या यूज करना है, दा को यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी नंबर्स। अब आप 1, 2, 3 भी बोलते हैं, हम रोमन नंबर्स भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ जैसे मैंने कहा मैं तो फर्स्ट हूँ, आई एम द फर्स्ट, He is the second, you are the third. तो जितने भी आपके first, second, third, fourth, fifth, like this जो हम numbers बोलते हैं, these are called your ordinary numbers. और ordinary numbers के साथ हमें the का use करना है. Okay? Next, names of heavenly bodies. अब ये heavenly bodies क्या हैं? देखिए, ये earth है जिस पर हम रह रहे हैं, ठीक है? तो ये earth भी एक आपका heavenly body में आता है. तो आपको इससे पहले भी क्या use करना होगा? दा का यूज करना होगा, द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई। तो ये सब हमारे क्या है, हेवनली बॉडीज है, और इनके साथ हमेशा क्या यूज होता है, द का यूज होता है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप बोले ढोलक, ओके, तबला, पियानो, गिटार, तो इन सबके साथ आप क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। आपने कहा दा पियानो, तो आपने इसके साथ दा यूज किया, ढोलक द ढोलक यूज किया, तबला द तबला यूज किया। तो जितने भी आपके ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे पहले आपको दा का यूज करना है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स के साथ भी दा, कोई भी न्यूज़पेपर नेम आ जाए आपके, आपने कहा आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले हमें क्या यूज करना है, दा को यूज करना है। नाउ नेक्स्ट है हमारा माउंटेन रेंजेस। अब ये माउंटेन रेंजेस क्या होती है, पर्वत श्रृंखला होती है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आपने कहा द हिमालयाज, द हिमालयाज, तो यहां पर आपका क्या होगा, हिमालयाज, क्योंकि ये हिमालय पर्वतों की एक श्रृंखला है, उससे पहले हमने क्या लगाया, द यूज किया। आप बोल सकते हैं द एंडीज, द एंडीज, तो ये एंडीज क्या है, ये भी पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो जब आप माउंटेन सीरीज की बात करेंगे, माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे, तो आपको क्या यूज करना होगा, द का यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आप जैसे बोल सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इनके साथ भी आपको हमेशा क्या यूज करना होता है, दा को यूज करना होता है। जितने भी आप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करेंगे तब भी आपको दा यूज करना ही करना है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, तो आप कॉन्टिनेंट्स के साथ भी दा का यूज करते हैं। आप कहेंगे द एशिया, द यूरोप, अब कॉन्टिनेंट तो हमारा ऑस्ट्रेलिया भी है, तो जरा बताइए कि अगर मैं आपको कहूं ऑस्ट्रेलिया, तो क्या आप इस ऑस्ट्रेलिया से पहले ए यूज करेंगे, ए सॉरी द यूज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपका कंट्री भी है और ऑस्ट्रेलिया हमारा कॉन्टिनेंट भी है।
तो देखिए जरूर करेंगे, जब हम इसको एज अ कॉन्टिनेंट लेंगे, जब हम इसको एज अ कॉन्टिनेंट लेंगे तो इसके साथ हम द को यूज करेंगे, और जब हम इसको एज अ कंट्री लेंगे तो हम इसके साथ द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा एज अ कंट्री, लेकिन एज अ कॉन्टिनेंट हम इसको इसके साथ द का यूज करेंगे। तो गाइस ये था हमारा यूज ऑफ द, एक डेफिनेट आर्टिकल जिसमें हमने ये सारे आज पॉइंट्स पढ़े, इनके साथ हमें द का यूज करना ही करना होता है। ओके, बाकी भी यूजेस ऑफ द और भी बहुत सारे हैं, अभी हमारे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स बाकी हैं कि कहाँ हमें इनका यूज नहीं करना है। तो रिलेटेड टू दिस इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर द फर्दर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।